You remember me, right? Hi everyone, welcome to Divya Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. तो जय महाकाल और start करते हैं आज की video. आज की video को start करेंगे सबसे पहले एक news break हुई है कि किसी ने Xbox का controller मंगाया और Amazon से मंगाया, लेकिन उसके parcel के अंदर से निकला कोबरा सांप और बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है. सारे न्यूज चैनल्स एकदम लगे पड़े हैं कि अरे सांप भेजा, कोबरा भेजा. हालांकि कोबरा चिपक गया टेप पे, जो बॉक्स के ऊपर टेप लगा रहता है, इसलिए वो किसी को काट नहीं पाया. ठीक है, तो सब लोगों की जान बच गई, सब सुरक्षित हैं और सबको लग रहा है कि ये कोई किसी तरह का मजाक है कि यू नो पार्सल के अंदर कोबरा भेज दिया. तो एक चीज आपको बताती हूँ कि वो जानबूझ के नहीं भेजा गया हुआ, जहां तक कि मुझे लगता है. मैंने ना ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले ये जो गोडाउन्स वगैरह होते हैं ना, जहां पे सारे पूरे शहर का जाके मतलब ऐसा स्टोर होता है पार्सल पहले, और फिर वहां से सेग्रीगेट होके हम लोगों के पास अलग अलग एरिया में आता है या दूसरे हब में जाता है. फिर उस हब से मतलब जो मेन हब होता है या फिर जो सब वाले जो हब होते हैं छोटे वाले, है ना, वहां पे मैंने देखा है कि पार्सल्स कैसे रखे रहते हैं. मतलब ऊपर से नीचे तक आपको पार्सल ही पार्सल दिखेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बारिश इतनी हो रही है ना, तो ये किसी हब में पड़ा था और उधर घुस गया उसके अंदर सांप, और ठीक से पैक होगा नहीं. अब ये तो जिसको मिला है पार्सल वही बता सकता है कि पार्सल में इधर उधर सांप घुसने की कहीं जगह थी या नहीं, बट वॉट एवर. और सांप एक बार घुस गया ना किसी डब्बे में, कोने में, बिल में, तो वहां पे आराम से जैसे अपना मादा नर छोटू सो जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, उससे सांप भी कर देता है. तो इतना डरने की जरूरत नहीं कि अमेजोन या फिर कोई किसी को कोबरा भेज रहा है. बट हाँ, बारिश का मौसम है, तो अगर आप लोग भी पार्सल मंगा रहे हैं तो उसको ऐसे खोलिए. मैं तो मतलब आपको पता है मैं ब्लेड से कट करती हूँ कि सांप चिपकेगा भी नहीं टेप पे. हमारे खोला तो इसने तो फिर भी ऐसे किया तो टेप पे चिपक गया सांप, तो उसकी जान बच गई. हमारे जैसे लोग तो बस एकदम प्यार से पार्सल खोलते हैं. तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि पार्सल खोलने के पहले थोड़ा बचा बचा के देख लेना अंदर कुछ है तो नहीं करके. थोड़ा सा खतरनाक वाला बात हो गया है, सीन हो गया, सांप भी जहरीला था. तो डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भेजा नहीं है, मतलब इंटेंशनली भेजा हुआ सांप नहीं है. ऑब्वियसली किसी हब में डब्बा पड़ा होगा जाके, और वहां पे बारिश में सांप घुस गया होगा. हब ऐसे नहीं होते कि एकदम टकाटक वहां कीड़े मकोड़े ना जाए, बिल्कुल घुस सकते हैं कीड़े मकोड़े. मैंने देखे हुए हैं हब. अब कभी मैं उधर बाहर से निकलूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी. यहाँ बॉम्बे का सबसे बड़ा जो हब है वो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो. आई एम नॉट प्रोमिसिंग इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज मैंने आप लोग को बोला था कि मैं नर और मादा छोटू की बात करूंगी. देखिए, करना तो चाहती नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को और इनके ही सभी सब्सक्राइबर को पहले ही आगाह कर दिया था कि ये सब जो है ना पूरा मेडअप स्टोरी है. क्योंकि मादा छोटू का जो भी है कहना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अब क्या कहाँ चली गई सेल्फ रिस्पेक्ट. मतलब हर बार एक बार हो, अगर इंसान एक बार ये हरकत करे तो बहुत समझ सकते हैं गलती है, दूसरी बार करे तो समझ सकते हैं गलती रिपीट हो गई, तीसरी बार करे ना तो इसका मतलब दैट पर्सन इज मेकिंग इट अ हैबिट. तो जब आदत ही डाल दी है कि हर चार महीने के बाद डिवोर्स होगा, उसके बाद प्रेगनेंसी का ड्रामा होगा, ये हैबिट है, ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के की गई हुई एक पब्लिसिटी स्टंट है कि लोग हमें देखें कि अरे हमारी तो डिवोर्स होने वाली, कोई डिवोर्स नहीं होने वाली थी, कोई कुछ नहीं होने वाला था, सिर्फ नाटक था. और दोनों की मिली भगत है, ये भी हर बार दिखता है. हर सीरीज में आपने देखा है कि छोटू एकदम नॉर्मल होके आता है. तो मैं छोटू से पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म आया बची है कि नहीं बची है? भाई तुमने पहले, बहुत पहले, तुमको याद है तुमने औरतों को कचरा बुलाया था, नए क्रिएटर्स को कचरा बुलाया था, जो सच बोलते हैं वो कचरा, और तुम्हारे जैसे झूठे लोग इन्फ्लुएंसर. गजब की भाई दुनिया चल रही है, भाई गजब की दुनिया चल रही है, आप लोग भी देख लीजिए. तो तुमको शर्म आया कुछ है? मतलब तुम लोग इस टाइप की रोटी खा रहे हो? मतलब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इज्जत की रोटी तो भिखारी खा लेते हैं, है ना. खुलेआम बेचारे मांग लेते हैं चुपचाप कि हमें दे दो. लोग कुछ दे देते हैं चुपचाप, कुछ लोग चार बात सुना के देते हैं, बट उनको पता है कि उनको सुनने मिलेगा क्योंकि वो काम ऐसा कर रहे हैं. मैं हट्टे कट्टे भिखारियों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, उनकी नहीं, कि जो किसी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड हो, जो हट्टे कट्टे है ना वो मांगते रहते हैं, उस टाइप के लोगों की बात कर रही हूँ. क्योंकि तुम लोग भी हट्टे कट्टे हो, तुम लोग भी नौकरी कर सकते हो, तुम लोग को भी पता है कि तुम्हारा यूट्यूब नहीं चलेगा भाई, बंद होने वाला है सबका. जो यूट्यूब के व्लॉगिंग के चैनल होते हैं ना, 5 साल मैक्सिमम ड्यूरेशन है, तुम लोग तो 7-7 साल से बैठे हुए हो, शर्म करो. और कितना गिरोगे, क्या क्या करोगे? इस आदमी को जरा से भी शर्म नहीं है. इसकी बीवी का कहना है कि बहुत ही ये है, बहुत ही वो, तुम वो जानता है कि तुम ऐसे ड्रामे करोगी, तुम इतनी गंदगी करोगी, तुमने उसकी आदत डाल दी. अच्छा, तुम बोलोगी कि
अपनी जिंदगी जियो तो तुमको रोक कौन रहा है? हर चीज आके सोशल मीडिया पे बताने की जरूरत क्या है ना, जियो ना अपनी जिंदगी। किसी ने रोका कि नहीं तुम नहीं जी सकती? तो मैं छोटू ने रोका है ना, घर का मैटर है ना, घर पे सुलझाओ। ये फैमिली कोर्ट नहीं है, ये वाईटी है। वाईटी पे तुम पब्लिसिटी करोगी अपने घर की सड़ी हुई, दो घोड़े की सड़ी हुई थर्ड क्लास लड़ाई की, उसके बाद चाहोगी कि लोग कुछ स्पेशल कमेंट ना करे। छोटू भी पता नहीं कैसा आदमी है यार गाइस, की मतलब इतनी बेइज्जती की रोटी वो खाता है, उसको शर्म नाम की चीज नहीं है। अब इसका कहना है कि वो नौकरी करता है और मुझे टाइम नहीं देता। जब नौकरी नहीं करता था तो तुम कहती थी कि नौकरी नहीं करता, अब नौकरी करता है तुम कहती हो नौकरी करता। मतलब तुम्हारी ही प्रॉब्लम है, तुम अपनी शक्ल देख लो। अगर तुम्हारे छोटू की जगह कोई और होता तो तुमको लात मार के घर से निकाल चुका होता। ये बात मैं बिल्कुल दिल से कह रही हूँ। तुम देख लो, नहीं 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 तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तो अब जो इस बार जो तुमने ड्रामा करके खत्म किया है ना, तुम्हारे को और गालियां पड़ेंगी, हर सब्सक्राइबर तुम्हें गाली देगा। उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि तुमने वो चीज अपने हाथ से लिखी है, उसको अपलोड किया है, उसको कमाया है तुमने। ये तुम लोगों की कमाई है, ठीक है? तुम लोगों की कमाई है कि तुम लोगों को लोग गाली देते हैं। अच्छा, यही सारी चीजें जब मैं रिएक्शन वाले लोग सच बोल देते हैं, तो जो इनके सपोर्टर्स होते हैं, जो फेक सपोर्टर्स होते हैं, उन लोगों को बुरा लगता है। उन लोग बुरा लगता है तो हमको गाली देते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं तुम किसी और का नाम लेके तुम पैसा कमा रहे हो, ये कमा रहे हो। हम इतना बोलेंगे, एटलीस्ट हम सच बोल के पैसा कमा रहे हैं, इज्जत से कमा रहे हैं। हम अपने घर की इज्जत नहीं बेच रहे हैं, हम अपने घर के लड़ाई झगड़े नहीं बेच रहे हैं, अपने फैमिली वालों को बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, ना आगे कभी करेंगे। भगवान कभी ऐसा दिन किसी भी इंसान को ना दिखाए कि वो सोशल मीडिया पर आए अपने घर वालों की बेइज्जती करे, ठीक है? तो छोटू, थोड़ी सी भी इज्जत है, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सुधर जाओ ना। काहे के लिए इतनी बेइज्जती करवाते हो अपनी, है बताओ, काहे के लिए बेइज्जती करवाते हो? और एक और चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग ऐसे होते हैं या जितनी भी औरतें ऐसी होती हैं, मैं यहाँ पे सभी औरतों को नहीं कह रही हूँ, कुछ औरतों को कह रही हूँ जो सोशल मीडिया पे इस तरह के तमाशे काटती हैं, गंदगी मचाती हैं, झूठ बोलती हैं, फरेब करती हैं, मैं सिर्फ उन औरतों की बात कर रही हूँ। और ऐसी बहुत सारी व्लॉगर्स हैं, स्पेशली व्लॉगर्स हैं, तो ऐसी व्लॉगर्स की का जैसा दिन चल रहे हैं इनके, ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। क्योंकि क्या करती हैं ये सारी की सारी, जो लड़ाई झगड़े दिखाती हैं घर के, या घर वालों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताना मारना, बदनाम करना, या बताना कि हमने इतना पैसों कमाया तो हमने तुमको भी दिया है, हमने तुम्हारा भी मदद किया। ये मैं उस कैटेगरी की व्लॉगर्स की यहाँ पे बात कर रही हूँ। पहले अपने जीवन में हर चीज को नेगेटिव दिखाएंगी, इतना नेगेटिव दिखाएंगी कि आप लोग सोच नहीं सकते कि अगर किसी की जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी हो तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा कि मुझे फोन उठाना है और एक वीडियो बना के अपलोड करना है, प्रॉपर सब कुछ करके, टैग वैग लगा के सब कुछ करके, ठीक है? तो जब ये औरतें इस तरह की नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करती हैं साल दर साल, एक दिन में चार वीडियो डालेंगी तो चार बार उसमें वो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगी, और जब वही मैनिफेस्टेशन इनका सच हो जाता है। इनफैक्ट ये मैं यहाँ पे मैंने एक जूजू का वीडियो देखा जहां पे उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में बात करके स्टाइल मारा है कि गाइस नजर इज रियल। ओ माय गॉड, नजर इज रियल, और तुम लोग का मैनिफेस्टेशन उसका क्या? कहते हैं ना किसी भी चीज को रटते रहो, तो यूनिवर्स जो है ना उसमें वाइब्स चलती हैं। यूनिवर्स इज फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, आप जो मांगोगे अपने लिए वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और के लिए खराब मांगोगे ना, तो वो जिसके लिए आप खराब मांग रहे हो उसके लिए तो यस हो जाएगा, मतलब यस हो जाएगा मतलब उसका एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा, लेकिन वही गंदगी आपके पास आके जरूर चिपकाएगा। यह है यूनिवर्स का पूरा जो वाइब्स का वो है। पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैं ये कह रही हूं कि ये जब औरतें ऐसी नेगेटिविटी पूरे साल दर साल डेली अपलोड करती हैं, और जब इनके साथ वही चीजें सच होने लगती हैं, तो उसके बाद ये औरतें खोजती हैं कि अभी मेरे को किसको पकड़ के विक्टिम कार्ड खेलना, कि नहीं इसने बोला इसलिए, उसने बोला इसलिए, इसने फलान ने ऐसा बोला था इसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, आप लोग डेली बेसिस पर गंदगी दिखा करके उस नेगेटिविटी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और वो आपके पास आ जाती है। आप लोग देखिए, मैं हमेशा महाकाल का नाम क्यों लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करनी है, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए महाकाल, उनकी भक्ति, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी ऐसे गंदे लोगों को आप लोग ना देखिए, क्योंकि जब आप लोग ऐसे लोगों को देखते हो ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन आपका भी चलता रहता है। अच्छा ये मैं, चलो आज देखें ये कितना रोई है, चलो आज देखें ये क्यों रो रही है, चलो आज देखें इसने आज किसको गाली दी। मत करो। हम मेरा काम है सच बताना, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है? मेरे वीडियो से कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, मैं इनको रोकने की बात कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे देखते हैं, आप लोग भी
भी इनको रोकने के लिए ही मुझे देखते हैं कि मैंने ऐसा क्या बोला है, राइट? तो आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को देख के तुम्हारे जीवन में कुछ गलत मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर बैठ के रहूं, तो क्या होएगा? मैं नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रही हूं, ठीक, और जो चीजें हैं वो भी कम होती जाएंगी, ठीक। देखा ना साइक्लोन की लाइफ से क्या क्या कम हुआ। एक इंसान गया, उसके बाद पूरा ससुराल छूटा, उसके बाद ये मायके आई, मायके आई इसने माँ बाप को अलग किया, इसके बाद इसका सब कुछ छूटता चला जा रहा है। आज की डेट में अकेले खड़ी है, अगल बगल जाके वीडियो बना रही है, दुल्हन बना रही है, लोगों को ये कर रही होगी। मतलब इन औरतों को देखती हूं तो समझ में आता है कि ये औरतें अपने आप को सिर्फ ये समझती हैं कि शादी करके बच्चा पैदा करके बस जिंदगी सेटल, जीवन में बस यही एक काम है। नहीं, ये एक काम नहीं है। आप एक इंसान हो, आपको अलग कुछ करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग को लगता है यही जीवन है तो आप लोग इसी जीवन को डिजर्व करते हैं। आप लोग बस इसीलिए पैदा हुए, मतलब जीवन में कुछ करना नहीं, कुछ बड़ा नहीं करना। भाई अब लोग मुझसे पूछेंगे तुम क्या बड़ा कर रही हो, मैं बहुत बड़ा करके बैठी हूं और मैं आगे भी बहुत बड़ा करने वाली हूं, ठीक है। मेरा जो प्लानिंग्स है या लाइफ को लेकर जो भी डिसीजन मेरे हैं वो मैं यहाँ पे आगे नहीं डिस्कस करती, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग ऐसी नेगेटिव आत्माओं को देख रहे हैं वो लोग एटलीस्ट अपने जीवन को सही करें। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को जाने से पहले डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि मैंने थोड़े दिन पहले निकू चौधरी का जो चैनल है, इस चैनल का नाम है निकू चौधरी, इनकी एक वीडियो शेयर की थी कुंवारी बेगम की, ठीक है। कुंवारी बेगम एक गेमर है, ठीक है, गेमर है या थी क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चैनल तो उसका अब गया, हाइड हो गया है। इन्होंने कुछ बहुत ही गंदी बात की थी छोटे बच्चों को लेके, एंड ट्रस्ट मी जो एक इसका डायलॉग था ना, इतना मेरे को घृणा हो रही है सुन के, एंड इतना अलार्मिंग था वो। अब यहां पे मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत छोटे बच्चे हैं, उसने इन्फेंट्स की बात की थी जिनके दांत नहीं है, माइंड इट, है ना, उनको कैसे अब्यूज करना है, ये अपने चैनल पर ये वाली चीजें सिखा रही थी। इट्स वेरी अलार्मिंग अगर आपके छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, इनफैक्ट मैं कहती हूँ 4-5-6 साल के बच्चे भी अगर आपके हैं। इस औरत ने अपने चैनल पर एक बात बोली कि आप कोई छोटा बच्चा ढूंढो और उसकी माँ को बोलो मैं इसको खेलने लेके जा रहा हूं। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा आए, प्लीज अपने बच्चे को अनअटेंडेड किसी के भी साथ ना छोड़े, क्योंकि ये औरत ऐसी गंदी चीजें बच्चों को सिखा रही थी, इसका गेमिंग चैनल था। अब इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ये कम से कम 7 साल के लिए जेल चली जाएगी और इसके ऊपर 5-10 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। अब ये रो रही है कि मैंने गलती से अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए ये काम किया था, तो सब्सक्राइबर्स ऐसे नहीं बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स मेहनत से बढ़ते हैं। अगर आप इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे करेंगी तो ऑब्वियसली आपकी जो मानसिक विकृति है वो दिखाई देती है। एंड मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये जरूर बोलूंगी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, किसी को भी किसी के भी पास खिलाने के लिए या संभालने के लिए मत भेजिएगा। जैसे ये साइक्लोन भेज देती ना, खाना खिला दो मेरे बच्चे को, रख लो मेरे बच्चे को, आप लोग ये गलती मत करेगा, क्योंकि दुनिया बहुत खराब है, ठीक है। ये औरत तो पकड़ी गई, पर पता नहीं इसके जैसी और कितनी होंगी, आपके आसपास भी हो सकती है। तो प्लीज अपने अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उन्हें बिल्कुल भी अनअटेंडेड मत छोड़िए। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं जो बोल ही नहीं सकते, उन्होंने अभी तक बोलना सीखा ही नहीं है, कुछ महीनों के हैं, उनको तो आपको बिल्कुल फूल की तरह संभाल के रखना, अपने पास रखना है। और अगर आपकी बच्चियां हैं तो आप तो किसी को गोद में भी ना दें, मैं तो यही बोलूंगी भाई, क्योंकि एक टेस्ट हुआ था छोटे बच्चों के ऊपर, बहुत छोटे बच्चों के, छोटी छोटी लड़कियों के ऊपर, उस बच्ची को एक ऐसे आदमी के गोदी में दिया गया जो खराब था, बच्ची रोने लग गई, और एक फिर दूसरा ऐसे आदमी के पास दिया गया जो उसको प्यार किया, जो बहुत अच्छा आदमी था, उसके पास बच्ची नहीं रोई। और ये टेस्ट बार बार रिपीट हुआ है। ये टेस्ट क्यों हुआ था, ये पता लगाने के लिए कि क्या लड़कियों का सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होता है गुड टच और बैड टच को लेके, और किस उम्र की लड़कियों का होता है। तो वो ये तो छोटी सी बच्ची थी ना, जो बोल भी नहीं पाती थी, जो अपना ऑब्जेक्शन सिर्फ रो के दिखा सकती है, ये उस बच्ची, उस साइज की बच्ची के ऊपर, उस उम्र की बच्ची के ऊपर हुआ था ये टेस्ट। तो मैं ये कहूंगी अगर आपकी छोटी बच्चियां हैं ना, तो भी आप बहुत केयरफुल रहिए, किसी को भी अपना बच्चा यूं ही मत दे दीजिए कि तुम थोड़ी देर संभाल लो मैं बाहर जा रही हूं, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जो कुंवारी बेगम का वीडियो है देख करके मैं तो बहुत घबरा गई हूं भाई। मैं यही कहूंगी अपने बच्चों को बिल्कुल भी अनअटेंडेड किसी के भी साथ ना छोड़ें। आपके घर में भी अगर कोई लोग हैं तो भी आप उनको भी बोल के रखें कि बच्चा किसी को नहीं देना है।
अगर दे भी रहे हैं आप किसी के साथ खेलने जाने दे रहे हैं बच्चे को, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर नजर रखिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और बाकी अमेजोन के पार्सल में जो सांप निकला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हब में पड़ा हुआ होगा बॉक्स, और उस वक्त उसमें सांप घुस गया क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है एंड जगह जगह जब पानी भरता है तो सांप अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप लोग को क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। बाकी छोटू ना छोटू मादा छोटू सुधर जाओ। और ये तुम्हारा डिवोर्स का ड्रामा है ना, इसकी फोर्थ सीजन तो आ चुका है, फिफ्थ सीजन नहीं आना चाहिए है ना, वरना तुम्हारा चैनल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, वैनिश ना हो जाए कहीं YT से। लोग तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ही, पता चला कि देर रिपोर्ट चैनल खत्म। जय महाकाल, आई लव यू ऑल, बाय बाय।